नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय श्री राम, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में भी स्वागत है। आज के वीडियो का विषय भी हमेशा की तरह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, हाँ, यह शब्द आप सबने सुना होगा और यह शब्द जो है यह यूनाइटेड नेशन ने दिया हुआ शब्द है और बहुत सोच समझ कर दिया हुआ शब्द है। और दोस्तों, यह कोई होक्स नहीं है, क्योंकि ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बहुत चल रही है नेट पर कि कुछ क्लाइमेट चेंज वगैरह, कुछ नहीं है, जलवायु परिवर्तन ये होते ही रहता है। और हिंदी में भी क्लाइमेट चेंज का भाषांतर जलवायु परिवर्तन करते हैं और हमारी मीडिया भी उसी तरह उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को लगता होगा ठीक है, चलो जलवायु परिवर्तन है, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, तो ये चलता होगा, क्या है उससे हमें क्या है। लेकिन दोस्तों, यह विषय बहुत गंभीर है। हाल ही में उत्तर भारत में जोशीमठ, यहाँ पे जो भूस्खलन हुआ, वह सिर्फ एक ट्रेलर है। इसके आगे भी बहुत सारी घटनाएं घट सकती है, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में घट सकती है। अब देखेंगे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ऐसे कुछ अरब देश है जहाँ पर भी इतनी बारिश गिरी, बारिश नहीं गिरी, इतनी बारिश गिरी कि बाढ़ आई, लोगों की गाड़ियाँ बह गई। इसके वीडियो भी मौजूद है, आप सबने देखा होगा। ये सब क्या है? ये कोई प्रगत राष्ट्र क्लाइमेट मैनिपुलेशन कर रहा है? किसी राष्ट्र के पास क्लाइमेट मैनिपुलेशन की कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है और उस टेक्नोलॉजी का वो सिर्फ एक टेस्टिंग कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या उसमें? तो ऐसा जिन लोगों को लग रहा है, लगने दो। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज यह एक बहुत गंभीर समस्या होने वाली है, इसको हल्के में ना ले। क्योंकि आप देखेंगे कि दुनिया के कोई भी बड़े लीडर जब मिलते हैं एक दूसरे से, जो बात करते हैं, तो उस एजेंडे में सबसे टॉप लिस्ट पर जो विषय होता है कि जिसके ऊपर ज़्यादा गोपनीय चर्चा होती है, वह क्लाइमेट चेंज, यही टॉपिक होता है। इतना ही महत्वपूर्ण विषय है और इस टॉपिक के बारे में ऐसी बहुत सारी गोपनीय जानकारी उनका आदान प्रदान वे करते होंगे, तो ये दुनिया के सभी लीडर कर रहे हैं। तो भैया, ये हो क्या रहा है, क्या है क्लाइमेट चेंज? तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि धर्म ग्रंथों में, विविध धर्म ग्रंथों में जो प्रलय की संभावना बताई गई है, प्रलय भविष्यवाणी है या फिर कयामत, ओके, इस्लाम में कयामत कहते हैं और यहूदी धर्म में और ईसाई धर्म में इसको अपोकलिप्स कहते हैं। एपोकलिप्स, उसमें कली यह भी एक शब्द है, अपोकलिप्स। तो ये क्या है सब? तो यह सब चीज़ें जुड़ी हुई है। आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज ये उन्हीं घटनाओं को दिया हुआ एक नया आधुनिक नाम है, क्लाइमेट चेंज, या फिर एक व्याख्या जो मैं करना चाहता हूँ, वो व्याख्या ऐसी है कि क्लाइमेट चेंज यह एपोकलिप्स, प्रलय या कयामत की तैयारी है, उसकी शुरुआत है। और वो जो सब घटनाएं घटने वाली है, जो विविध धर्म ग्रंथों में वर्णित है, वो सिर्फ इसी 100 सालों में ही घटने वाली है, 100-150 सालों में घटने वाली है। यह है असली चीज। लेकिन यह चीज जो है, हमें जनता को ऐसी नहीं बतानी है, क्योंकि इस तरह से अगर आप जनता को यह चीज़ें बताएंगे तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, सब जगह पे अफरा तफरी मच जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, बहुत सारी गलत चीज़ें बढ़ सकती है। तो यह चीज़ें इस तरह से हमें नहीं बतानी चाहिए, ओके। यह चीज़ें हमें सौम्य करके बतानी चाहिए कि देखो, यह परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, तो यह एक जलवायु परिवर्तन है, ओके, एक्सक्यूज़ मी।
तो यह एक जलवायु परिवर्तन है और ये एक नैसर्गिक फेनोमेनन है और ये होते रहता है, इसमें ऐसी कुछ डरने की बात नहीं या फिर पैनिक होने की बात नहीं। ओके, ऐसा नरेशन हमने लोगों को देना चाहिए क्योंकि लोग बहुत भावना विवश होते हैं और कोई कोई लोग तो एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आत्महत्याओं का प्रमाण भी बढ़ सकता है या फिर क्राइम्स का प्रमाण बहुत बढ़ सकता है। और पहले से ही हमारे जो न्याय व्यवस्था है और सब प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये जो प्रयत्न करते हैं कि दुनिया में क्राइम कैसे कम हो, वो पहले ही उनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतने क्राइम घट रहे हैं दुनिया में। तो यह क्लाइमेट चेंज का विषय हमने अगर नेगेटिव तरह से बताया लोगों को तो बहुत उसका दुष्परिणाम हो सकता है आगे, तो उस तरह से नहीं बताना चाहिए। ऐसा बताना चाहिए कि ये क्लाइमेट चेंज यह एक भौगोलिक फेनोमेना है या फिर एक एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना है, एक भौगोलिक फेनोमेना है और उसकी जो लिंक है वो एस्ट्रोफिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी है। इस तरह से बताएंगे तो हम लोगों को प्रिपेयर कर पाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे होने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, आपकी वैज्ञानिक सूझबूझ बढ़ाइए, आपको वैज्ञानिक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करिए क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो शायद इसीलिए मेटा ने भी, उनका जो फेसबुक है, उन्होंने भी अभी एक देखेंगे कि एक ऐसा मेनू ऐड किया है उनके ऐप में क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, वह जानकारी देते जाएगा आपको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि पृथ्वी का टेम्परेचर देखो कैसे कैसे बढ़ रहा है और कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। अपने एक नवंबर दिसंबर में एक सूचना आपको मिली होगी, एक न्यूज़ मैंने भी पढ़ी थी कि पृथ्वी की जनसंख्या 800 करोड़ के पार, 8 अब्ज के पार, 8 अरब लोग संख्या हो गई है, 800 करोड़ लोग हो गए भैया पृथ्वी पर। तो इन लोगों को जीने के लिए अन्न की आपूर्ति करनी पड़ती है और अन्न जो है वह कौन देता है, कुदरत देती है, खेती बाड़ी देती है। तो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन भी उतनी होनी चाहिए, ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए, मार्केट की कंडीशन अच्छे होने चाहिए, क्लाइमेट की कंडीशन भी अच्छे हो कि ज़्यादा उपज हो और इतने सारे 800 करोड़ लोगों को हम फीड कर सकें। तो ऐसी व्यवस्था हमारे पास है क्या? तो फिलहाल तो है, लेकिन आगे का हम कह नहीं सकते। और एक ऐसा रिसर्च भी मौजूद है कि 1980 में दुनिया की जनसंख्या 400 करोड़ थी, दुनिया की जनसंख्या 400 करोड़ थी और 2020 में वह जनसंख्या 800 करोड़ के आसपास हो जाएगी। अभी 2022 में वो हो गई, 800 करोड़ के आसपास हो गई, मतलब 40 साल में जनसंख्या दुगनी हो गई। 2060 का हम एक एस्टिमेशन लेंगे तो 2060 में वही जनसंख्या बढ़कर 800 से अगर दुगनी हो तो 1600 करोड़ तक जा सकती है। मिनिमम 1200 या 1600 करोड़ के बीच हो सकती है। तो भैया इतने लोग रहेंगे कहाँ पे? इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? इन लोगों को रोजगार कौन देगा? ये लोग रहेंगे कहाँ पर? और यह लोग इतना कार्बन छोड़ेंगे वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आदमी जब एक्सहेल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और उसको इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वह ऑक्सीजन हमें जंगलों से मिलता है। तो जंगलों का भी कंक्रीटीकरण हो रहा है, जंगल तोड़े जा रहे हैं, हरियाली कम होते जा रही है, तो फिर ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती जाएगी। ओके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण इक्विलिब्रियम में या फिर कुछ विशिष्ट गुणोत्तर में रखने की एक व्यवस्था थी, प्राचीन व्यवस्था पृथ्वी पर थी, अरबों सालों से चली आ रही, लेकिन उस व्यवस्था में डिसबैलेंस से मनुष्य जात क्रिएट कर रही है, मनुष्य बहुत संख्या में बढ़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ेगा, ऑक्सीजन का प्रमाण कम होगा, ऑक्सीजन का प्रमाण कम होगा तो ओजोन का भी प्रमाण कम हो सकता है। आफ्टर ऑल ओजोन क्या है? ओजोन ये O3 है
यानी कार यानी ऑक्सीजन का ही वो एक कंडेंस्ड स्वरूप है। ऑक्सीजन अगर O2 है तो ओजोन O3 है, बनता तो वो ऑक्सीजन से ही है। तो अगर हम जंगल काटेंगे, खेतीबाड़ी कम होगी और लोगों की खास करके मनुष्यों की संख्या बढ़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ेगा, ऑक्सीजन का प्रमाण कम होते जाएगा, और ऑक्सीजन का प्रमाण कम हुआ तो ओजोन का प्रमाण भी कम होगा, और ओजोन का प्रमाण अगर कम हुआ तो ओजोन क्या करता है आपको मालूम है कि पृथ्वी पर आने वाली जो घातक किरणें हैं, सूरज की तरफ से आने वाली जो घातक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें और कुछ गामा किरण भी हो गए जो अंतरिक्ष से आते हो गए, तो वैसी सारी किरणों को फिल्टर करने का काम ओजोन करता है। अगर वह गामा किरण पृथ्वी पर पड़े तो यहाँ की सब जीवन नष्ट हो जाएगी, सभी बायोलॉजी नष्ट हो जाएगी पृथ्वी की, तो वह रोकने का काम ये ओजोन की लेयर करती। तो ओजोन के लेयर में खड्डे पड़ जाएंगे, वो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ऐसा होगा। मनुष्य की संख्या अगर ऐसे ही बढ़ती गई तो फिर कयामत दूर नहीं है। ओके, तो क्लाइमेट चेंज, कयामत, एपोकलिप्स, प्रलय, ये शब्द समानार्थी है, लेकिन ये लोगों को आप बताइए मत। ओके, और लोगों को बताएंगे तो फिर बहुत बड़ी नैराश्य की लहर फैलेंगी। लोगों को इसके बारे में वैज्ञानिक तरीके से उनका प्रबोधन करिए, उनका एनलाइटमेंट करिए। ओके, और यूनाइटेड नेशन ने काम हाथ में लिया अभी, कि हम देखते हैं 1990 के दशक से ही या फिर थोड़ा आगे या पीछे, दुनिया भर की सभी स्कूलों के सिलेबस में उन्होंने एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस का एक पाठ्यक्रम ऐड कर दिया है, और उसमें पास होना, उत्तीर्ण होना मैंडेटरी कर दिया। उसमें अगर अनुत्तीर्ण हो जाए विद्यार्थी तो पूरा साल उसका बर्बाद जाता है, ऐसे भी उन्होंने प्रावधान करिए। हर स्कूल में सिखाया जाता है लेकिन उसको लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली मत लो भैया, ये मनुष्य जात के भविष्य की चीज़ है। मनुष्य जात का जो भवितव्य है वह एक एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर टिका हुआ है, टिकने वाला है। ओके, तो हमने जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं वह एस्ट्रोफिजिकल और जियोफिजिकल एक्टिविटी से हो रहे हैं, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते फिलहाल, हमारे पास जैसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका सौम्यीकरण तो ज़रूर कर सकते हैं। जनसंख्या कितनी बड़ी ये हमारे हाथ में, उसके हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, वृक्ष तोड़ हो रही है, जंगल तोड़ हो रही है, वो हम रोक सकते हैं। तो जो जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ओके, और रिसर्च, इनोवेशन एंड इन्वेंशन, इसमें ज़्यादा फंड डालने की सरकार को ज़रूरत है। रिसर्च, इनोवेशन एंड इन्वेंशन के जो अभ्यासक्रम है, सिलेबस है, वो मैंने एक रिकमेंडेशन में देता हूँ मेरे दर्शकों को, कि 8वीं से आगे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर स्ट्रीम में, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी, नो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर MCVC, जो कुछ हो, वोकेशनल हो, हर स्ट्रीम में रिसर्च, इनोवेशन एंड इन्वेंशन ये विषय ऐड करो, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नए आविष्कारों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कयामत नज़दीक आ रही है। ओके, लेकिन बताना नहीं, ये बताना कि आविष्कारों की ज़रूरत है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार हो, नए नए आविष्कार हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, इन्वेंशन हो, ऐसी कुछ चीज़ें बने जो मनुष्य को सस्टेन कर सके। ओके, मनुष्य जात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो आगे, ऐसा कुछ हो सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन, इनोवेशन एंड रिसर्च हो, और वैसे ही सिलेबस बनाए। आज तक हमने बहुत बड़ा कांड कर दिया, जो चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है विद्यार्थियों को, वह विषय हमने उनको सिखाए और उसी विषय में उनको भटकाया। नतीजा ये निकला कि विद्यार्थी बन बन कर क्या बनते, अधिकारी बनते, कर्मचारी बनते, ओके, या अभियंता बनते, डॉक्टर बनते, बस इसके सिवा कुछ बन नहीं पाते हो। हमें जनता को आविष्कारक बनाने की ज़रूरत है, आविष्कार, नए नए आविष्कार करो। क्लाइमेट से रिलेटेड, और मैं तो कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज की जो घटना, जो अभी
घट रही है उसका हमने ऐसा पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब जो इनोवेशन इनोवेशन एंड रिसर्च, इसको हमने लिवरेज करना चाहिए, उसको बूस्ट करना चाहिए। हमने उनकी प्रतियोगिताएँ रखनी चाहिए, हमने उसको ज़्यादा फंड प्रोवाइड करना चाहिए, फेलोशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ईजाद हो, क्योंकि यह जो पृथ्वी है आज नहीं तो कल मनुष्य जात को बनाए रखने के लिए, मनुष्य जात का कंटिन्यूएशन करने के लिए कम पड़ने वाली है। ये बात हम गणित से भी सिद्ध कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स से भी ये सिद्ध होगी कि अगर दुनिया की जनसंख्या 1600 करोड़ हो जाएगी तो फिर प्रलय आ जाएगा। तो वैसा अगर ना हो, ऐसा आपको लगता है, तो आपको रिसर्च इनोवेशन और इन्वेंशन में आपका दिमाग आपकी प्रतिभा खर्च करनी पड़ेगी। सरकारों ने भी ऐसा सिलेबस बनाना चाहिए, और मीडिया को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि फालतू के विषयों में जनता को मत अटकाओ, मत भटकाओ। जनता को कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे उन फालतू विषयों की, जनता को असली चीज़ों के बारे में बताओ। ओके, जनता को पॉजिटिव बनाओ, जनता को वैज्ञानिक बनाओ। वैज्ञानिक सोच बढ़े, ऐसा संविधान में लिखा है कि नहीं? संविधान में ऐसा कहा है कि सरकार यह देखे कि देश के नागरिकों में वैज्ञानिक सोच समझ सूझबूझ बढ़े। ओके, तो ऐसा आप कर रहे हैं कि नहीं? तो यह करने का काम लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ किसने करना है? प्रेस ने करना है, मीडिया ने करना है, तो मीडिया वैसा कर नहीं रही। 2013-14 के बाद हम देखते हैं कि मीडिया का रुझान फालतू के विषयों में, धार्मिक विषयों में है, ओके, अंधविश्वास के विषयों में है। ओके, तो मीडिया प्लीज़ ऐसे विषयों से आप मुकर जाओ, पीछे हटो, और जनता के फायदे के विषय है, जनता के विषय है, क्लाइमेट चेंज के जो विषय है, रिसर्च इनोवेशन इन्वेंशन के जो विषय है, उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि रिसर्च इनोवेशन और इन्वेंशन इसके दम पर अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन, जापान जैसे मुल्क आज महाशक्ति बने हैं। सिर्फ महाशक्ति नहीं, महादेव भी बने हैं। आज वे कुछ भी कर सकते हैं रिसर्च इनोवेशन और इन्वेंशन के वजह से, उनका लोहा मानते हैं लोग, तो उसमें भारत क्यों पीछे रहे? आप देखेंगे कि कोई कोई मुल्क है जो आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूर्य बना रहे हैं, कुछ कुछ मुल्क है जो कृत्रिम चंद्र बना रहे हैं, ओके, कुछ कुछ मुल्क है जो क्लाइमेटिक मैनिपुलेशन की टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है, बारिश रोकने की तकनीक बनाई है, बाढ़ रोकने की तकनीक बनाई है, नदियों को मोड़ने की तकनीक बनाई है, नई नदियां बनाने की तकनीक बनाई है, ओके, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाई है। और ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी होगी जो अभी तो गोपनीय है, जो हमें भी मालूम नहीं होगी, आपको भी मालूम नहीं है, पब्लिक डोमेन में भी नहीं होगी, ऐसी भी टेक्नोलॉजी बनाई। तो इतना संशोधन वो क्यों कर रहे हैं आखिर? वो पागल है क्या? इन्वेंशन की जननी क्या है? नेसेसिटी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके, तो इसकी नेसेसिटी है, तो उसकी नेसेसिटी क्या है, तो उनको पता चल गई होगी। हमें अगर भविष्य दिख सकता है तो उनको तो दिख ही सकता है। सरकारों के पास ज़्यादा डाटा होता है, ज़्यादा अच्छे अच्छे दिमाग वाले लोग होते हैं, दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं, ज़्यादा डाटा, ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करने वाली मैकेनिज्म होती है, उनके पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो उन्हें वो मालूम है, जनता को मालूम नहीं। जनता को फालतू के धार्मिक जाति के ऐसे वैसे आलतू फालतू राज के विषयों में अटका के रोको, लेकिन मेन चीज़ें जो हो रही है वो जनता से छुपा के रखो, ऐसी एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम को तोड़ना चाहिए, जनता को सब सच सच बताना चाहिए, क्योंकि सत्य से फायदा ही होता है, सत्य से नुकसान किसी का नहीं हो सकता है। ओके, बशर्ते कि वह जो सत्य है वो ठीक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से बताया गया हो, तो उस सत्य से किसका नुकसान नहीं होगा। तो यह समय आ गया है कि लोगों को बताओ कि इस 100 सालों में क्लाइमेट में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन, उत्परिवर्तन होने वाले हैं, डिवास्टेशन होने वाले हैं। ओके, और उसके लिए हम सब ने डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब ने तैयार रहना चाहिए। ओके, और क्लाइमेट मैनिपुलेशन की टेक्नोलॉजी सरकार ने बनानी चाहिए, उसके ऊपर अनुसंधान करो।
क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत सारे राष्ट्रों ने बनाए हैं, भारत ने भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। ओके, तो इतना कहकर मैं ये वीडियो यहाँ रोकना चाहता हूँ। 20 मिनट का वीडियो होते आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर मैं घंटों घंटों बात कर सकता हूँ, घंटों 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 बात कर सकता हूँ, 10-10, 12-12 घंटे मैं इसके ऊपर कंटिन्यू बात कर सकता हूँ, लेकिन सुनने वाले श्रोते होने चाहिए। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोई व्यवस्था कर दो। कोई मेरा दर्शक अगर ये वीडियो देख रहा होगा और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो उसे मालूम हो, तो कृपया मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, क्योंकि ये कंटेंट जो मैंने बना रहा हूँ या बनाना चाहता हूँ वह सबके भले के लिए है, समुच्चय मनुष्य जात के भले के लिए ये सब चीज़ें, ये सब कंटेंट मैं बनाते रहता हूँ। और इसको ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले तो ये ज़्यादा फैलेगी चीज़ें, और मेरा जो संदेश जो है, जो मैं देना चाहता हूँ मनुष्य जात को, वो जलद गति से फैलेगा। ये मेरा उद्देश्य है, इसलिए चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइबर मिले, इसको व्यू मिले, इसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। और इस विषय पर मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, जानकारी या फिर आप कह सकते ऐसे बहुत सारे मेरे पास इसके लॉजिक है और बहुत सारी योजनाएं है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उस योजना का पूरे मनुष्य जात को फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो वो मैं तभी बताऊंगा जब मुझे व्यूज़ मिलेंगे। ओके, तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस, एंड मीनवाइल सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस कंटेंट, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी सम रिलेवेंट क्वेश्चन टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, देन यू कैन श्योरली आस्क। इफ आई गेट टाइम आई विल श्योरली कमेंट ऑन इट और ट्राई टू आंसर इट इफ इट इज़ इन माई परव्यू। ओके, सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।